नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव वीडियोज़ में। आज की वीडियो में हम इस 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक रिकवर भी कर लेंगे इसको। ये 12 वोल्टेज BH की बैटरी है, जो अल्टो कार में होती है वो बैटरी है, ये छोटी वाली। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये चार्ज तो हो रही है, मतलब वोल्टेज तो इस पर आ रही है प्रॉपर, लेकिन धीरे 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 इसके वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे हैं और जो है चार्ज होल्ड नहीं कर पा रही है। मतलब एक दो मिनट इस पर लोड चल रहा है, बाकी चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी इसके 11.10 वोल्टेज है, मैंने खुद चार्ज करके छोड़ा था 2-3 दिन पहले, तो इसके वोल्टेज धीरे 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 ड्रॉप हो गए हैं। अभी लोड डाल के देखता हूँ इस पर, लगभग 250 वाट के आसपास, 250-300 वाट के आसपास। ठीक है, तो अभी देख लीजिए वोल्टेज इसके 6 वोल्टेज के आसपास आ गए ड्रॉप होकर, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं हैवी लोड पर, तो सस्टेन ही नहीं कर पा रही है लोड बिल्कुल भी। तो रिकवर करेंगे आज इसको एप्सम सॉल्ट की मदद से। ठीक है, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा ये वाला सॉल्ट। मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी कोई किसी फॉरेनर्स की, वो यूज़ कर रहे थे, तो चलो मैं मुझे लगा कि मेरे को ट्राई करना चाहिए, आपको भी पता चले रिकवर होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अभी देख सकते हैं 10 से नीचे वोल्टेज आ गए और ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है वोल्टेज वापस, लेकिन लोड सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। और अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये देख लीजिए एप्सम सॉल्ट है, ये 99 रुपये का मिला था मुझे 1 kg। तो इस टाइप साइज़ की बैटरी के लिए आपको 200 से 250 ग्राम लगेगा। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपको 25-30 रुपये में मिल जाएगा 200-250 ग्राम। एक बार ट्राई करने में जाता ही है, मतलब अगर बैटरी स्क्रैप में दे रहे हो तो ट्राई कर लो। और एक बात और, इससे वही बैटरी रिकवर होगी जो डीजल प्लेट है, मतलब जिसकी प्लेटें सही है, गली हुई नहीं है प्लेटें और काफ़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है। हालांकि ये 4 साल पुरानी है, लेकिन ये कई दिन पड़ी हुई थी तो इसलिए ये चार्ज होल्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, बैटरी का जितना भी एसिड आपको निकाल देना है, मतलब बाहर गिरा देना है और किसी सेफ जगह पे, और बैटरी को वॉश कर लेना है अंदर से प्लेटों को भी, नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एप्सम सॉल्ट है ना हमारा, उसको आप जितना बैटरी में मतलब वाटर आता है 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास, 1 लीटर के आसपास आता है उसमें, तो उसमें आप 250 ग्राम डाल के फिल्टर्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर था उसमें, बैटरी वाले वाटर में डाल के आपको गर्म करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ठंडा करके बैटरी के सेल्स में डाल देना है, फिल कर देना है। और ये जो प्रोसेस होती है ये शायद 2 बार करनी पड़ती है बैटरी के, में 2 या 3 बार आपको रिप्लेस करके, मतलब 3-4 दिन बाद में प्रॉपर ये बैटरी रिकवर होती है। लगभग 10 से 12 बार फुल चार्ज डिस्चार्ज करने के बाद लगभग हो जाती है 60 से 70% रिकवर, फुल रिकवर नहीं होती है। और गाड़ी में भी मेरे हिसाब से नहीं ले सकते आप सेल्फ में काम, लेकिन घर के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर स्क्रैप में दे रहे हो तो अच्छी बात है, घर के लिए यूज़ में ले पाओ, उससे अच्छी बात ही क्या। तो और वाटरिंग नहीं करनी आपको, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया 2-3 सेल में, तो वो निकाल दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो ऊपर का वाटर जाता है तो आपको थोड़ा सा बैटरी को टेढ़ा करके और थोड़ा थोड़ा ऊपर से ड्रेन कर देना है, ज़्यादा मत निकाल देना। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें एसिड नहीं है इसलिए मेरे हाथ को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एसिड नहीं होता है एप्सम सॉल्ट में, और इसी पे हमको चार्ज में लगाना है एप्सम सॉल्ट में, एसिड निकाल देना है बिल्कुल भी। जब रिकवर हो जाएगी हमारी बैटरी, मतलब 10-12 दिन बाद में, तब हम इसमें एसिड ऐड कर सकते हैं इसको रिमूव करके, यार हालांकि ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमको, जितना हमको बैकअप चाहिए उतना मिल जाएगा। तो अभी इसको मैंने अंदर रख लिया वापस और नीचे अखबार रख दिया, ताकि ऊपर रख दिया ताकि टेबल ख़राब ना हो। ठीक है, अभी वोल्टेज देख लीजिए इसके, 11.12, कुछ फर्क नहीं है, 11.12 वोल्टेज है, तो इसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि अभी चार्ज नहीं लगाया। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर, खुद की रिवाइंडिंग की हुई है, इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल गई है। तो ये जो है 10 एम्पीयर का जो हमारा चार्जर है, 10 से 15 एम्पीयर के बीच में करता है चार्ज, तो इससे चार्ज करेंगे इस बैटरी को। अराउंड 2 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में अगर इसकी पूरी कैपेसिटी हो तो, लेकिन मेरे को पता है ये अभी जल्दी चार्ज हो जाएगी, जल्दी चार्ज वोल्टेज दिखा देगी, क्योंकि ये रिकवर एक बार में तो होगी नहीं, फिर भी 10 से 15% तो रिकवर हो जाएगी, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जो बैटरी मतलब आपको प्लेटें मतलब गली हुई ना हो, अगर पानी खाली करने पर उसमें पानी काला ना निकले, तो समझ जाओ बैटरी प्लेटें ख़राब नहीं है, बस उसमें जो प्लेटों के ऊपर जो मतलब सल्फेट जम जाती है एक परत, उसी वजह से बैटरी बैकअप नहीं दे पाती है, चार्ज होल्ड नहीं कर पाती है, चार्जिंग नहीं देती है। तो अभी देख लीजिए इसके वोल्टेज 13 के आसपास आ गए और इसको लगभग 50 मिनट के आसपास हुआ है और ये बैटरी अभी फुल चार्ज दिखा रही है। ठीक है, अभी देखिए 14.4 से लेकर 14.7 तक जो बूस्ट चार्ज होता है वहाँ तक हमारी फुल दिखा देती है बैटरी। तो अभी ये बैटरी फुल चार्ज है और जैसे चार्जर को उठाएंगे तो इसके वोल्टेज जो है वो अराउंड 13 वोल्टेज
12.7 से 13 वोल्टेज के बीच में आ जाएंगे, अगर नॉर्मल बैटरी होती है उसके, नॉर्मली वोल्टेज नहीं होते हैं फुल चार्ज पे, 12.7 से 13, ठीक है। अभी इस पर लोड भी चेक करेंगे हम, कितना ये जो लोड है वो हैंडल कर पा रही है हमारी बैटरी। तो अभी देख लीजिए 13 वोल्टेज के आसपास आ गए इसके, और थोड़ी सी और ड्रॉप होंगे मेरे को पता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। इसका अपडेट भी दे दूंगा हो सके तो, मैं कुछ दिन यूज़ कर, कुछ दिन इसके साइकिल चार्ज डिस्चार्ज वाले साइकिल 8 से 10 यूज में लेके फिर आपको अपडेट दूंगा कि रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी देख लीजिए, अभी कुछ तो वोल्टेज ही होल्ड कर पा रही है, लेकिन देख लीजिए 12 10.3 जो हमारा डिस्चार्ज वोल्टेज होता है वहाँ तक रोक रही है 10 के आसपास, ठीक है। 400 वाट के आसपास लोड है, लगभग 400 वाट की बल्ब है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए ये 90 वाट का बल्ब है, और इसमें कोई 130 वाट का कोई कम का वाट का, तो ये 90 वाट का लगभग है, 90 वाट का है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन टोटल जो इसकी वाटेज है वो अराउंड 300 वाट है, ठीक है। अभी देख लीजिए, अभी एक दूसरा बल्ब है जिसकी की रेटिंग 100 वाट लिखी हुई है इस पर, ठीक है, ये 100 वाट का है प्रॉपर। तो अभी देख लीजिए इससे भी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, सस्टेन तो कर पा रहा है, और ट्राई कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। अगर आप बैटरी स्क्रैप में दे रहे हो तो कुछ खर्चा नहीं है इसमें, 30-40 रुपये का खर्चा आपको जाता ही गया है, ट्राई कर लीजिए, अगर रिकवर हो गई तो घर में यूज में लीजिए, नहीं होगी तो स्क्रैप कर दीजिए, ठीक है।